एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने अपनी जेब से 100 रुपए का एक नोट निकाला और बच्चों की तरफ नोट दिखाकर कहा कि क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये कितने रुपए का नोट है। सभी बच्चों ने एक ही स्वर में कहा कि ये 100 रुपए का नोट है। टीचर ने फिर कहा कि इसे कौन कौन लेना चाहेगा। सभी बच्चों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद किया और बुरी तरह से मसल दिया, जिससे उसकी हालत बुरी हो गई। अब टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखाकर कहा कि ये कुचला हुआ नोट कौन कौन लेना चाहेगा। सभी बच्चों ने फिर से अपना हाथ उठा दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को जमीन पर फेंका और जूतों से बुरी तरह से कुचल दिया। फिर टीचर ने उस नोट को उठाकर बच्चों से दिखाया और पूछा कि अब इसे कौन कौन लेना चाहेगा। सभी बच्चों ने अपना हाथ फिर से उठा दिया। अब टीचर ने कहा कि बच्चों, आज मैंने तुमको एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया है। ये 100 रुपए का नोट था। जब मैंने इसे हाथ से कुचला तो इसकी कीमत 100 रुपए ही रही। इसकी कीमत बिल्कुल भी कम नहीं हुई। और जब मैंने इसे अपने जूतों से कुचला और ये गंदा हो गया, फिर भी इसकी कीमत 100 रुपए ही थी। इसकी कीमत में बिल्कुल भी गिरावट नहीं हुई। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है, वो हमेशा वही रहती है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे कितनी भी मुसीबतों के धूल आपके ऊपर गिर जाएं, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है। आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हैं। अपने अंदर की हुनर को पहचानिए और आगे बढ़िए।